हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन करवाएंगे तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग है टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर्स एंड हाइड्रोजेशन टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं मैं दो तीन वीडियो बना के इसके क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आप लोग को इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज द जीरो डायपोल मोमेंट तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दिया गया ऑप्शन में किसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है तो ऑप्शन इज गिवन बी एफ थ्री ऑप्शन बी एस टू ओ ऑप्शन सी एन एफ थ्री एंड ऑप्शन डी सी एल ओ टू यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है बी एफ थ्री इन बी एफ थ्री जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है और जो इनका बी एफ बांड होता है ये ओरिएंटेशन इनका वन ट्वेंटी डिग्री एंगल होता है एक दूसरे के इसलिए जो इनका बॉन्ड मोमेंट्स होता है इनका नेट सम जीरो आता है और इनका जो रिजल्ट है ये इक्वल एंड अपोजिट होता है टू द थर्ड इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा बी एफ थ्री का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये जीरो होता है क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन नो पाई बॉन्ड इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा तो ऑप्शन ए इज गिवन एस ओ टू ऑप्शन बी एन ओ टू ऑप्शन सी एस सी ओ टू एंड ऑप्शन डी एस टू ओ तो क्या इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आपका राइट है एस टू ओ एस टू में कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप इजली बहुत अच्छे से समझ जाएंगे एस टू में कोई बॉन्ड नहीं होता बाकी एस ओ टू में एन ओ टू में एस सी ओ टू में पाई बॉन्ड पाया जाता है तो यहाँ पाई बॉन्ड किस में नहीं पाया जाता है तो ऑप्शन डी आपका राइट है एस टू ओ एस टू में कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है यानी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सी एफ टू इज़ आइसो स्ट्रक्चर विथ तो यहाँ पे पूछा है कि एक्सी एफ टू किसके आइसो स्ट्रक्चर यानी इसका स्ट्रक्चर इस किससे मिलता जुलता है तो ऑप्शन ए इज गिवन एस बी सी एल थ्री ऑप्शन बी बी ए सी एल टू ऑप्शन सी टी सी एल टू एंड ऑप्शन डी इज गिवन आई सी एल टू माइनस तो क्या इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है दैट इज आई सी एल टू माइनस आई सी एल टू माइनस जो होता है एक्सी एफ टू के आई स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे तो एस बी एफ थ्री आप बनाएंगे तो इसका एस पी थ्री आएगा और इसका शेप पिरामिडल आएगा एक्ससी एफ टू का बनाएंगे तो एस पी थ्री आएगा वी शेप आएगा तो आई सी एल टू यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है ये एस पी थ्री डी हाइड्रोशन होता है इसका शेप लीनियर होता है एक्सी एफ टू की तरह क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जिसमें जिसमें पोलिटी पाई जाती है वो पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑप्शन ए एस आई एफ फोर ऑप्शन बी एक्सी एफ फोर ऑप्शन सी बी एफ थ्री एंड ऑप्शन डी एस एफ फोर तो क्या इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है दैट इज एस एफ फोर एस एफ फोर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसका म्यू इस कल टू तो जीरो ना हो जिसका म्यू जीरो होगा वो नॉन पोलर होगा जिसका म्यू जीरो नहीं होगा वो पोलर होगा तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो इसका म्यू आता है वो जीरो नहीं होता है इसलिए पोलर एस एफ फोर मालिक्यूल एस एफ फोर जो एस थ्री टेप्लाइड होता है और इसका शेप होता है शीशा शेप क्वेश्चन नंबर फाइव द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज तो इस क्वेश्चन में अमोनिया का शेप पूछा है तो ऑप्शन ए इज गिवन टेट्राहेड्रल Option B, trigonal pyramid. Option C, trigonal bipyramid. And Option D, trigonal planar. कैज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका ऑप्शन भी राइट है दैट इज ट्राइगुलरल पिरामिड जो अमोनियम मॉलिक्यूल होता है उसका शेप होता है ट्राइगुलरल पिरामिड इसका हाइब्रेशन अगर आप निकाले तो हाइब्रेशन इसका आता है sp3 और इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर पाए जाने की वजह से इसका शेप बन जाता है ट्राइगुलल पिरामिड इस क्वेश्चन को आप स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्टली से याद भी कर सकते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में ऑप्शन बी राइट है दैट इज ट्राइगुलरल पिरामिड तो गाइस ये था हमारे केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा थैंक यू सो मच